आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। मुनीर अहमद को मिल रहा ग्रामीणों का समर्थन। विकास खंड जगदीशपुर के ग्राम सभा सिंदुरवा में प्रधान पद प्रत्याशी मुनीर अहमद ने बताया कि कई वर्षों से कोई ग्राम सभा में विकास नहीं हुआ, जिसको लेकर ग्रामीणों में इस बार परिवर्तन की सोच है। वहीं बातचीत के दौरान मुनीर अहमद ने बताया कि काफी समय से केवल दो ही परिवारों की बीच चल रही है प्रधानी, जिसके चलते जनता ने इस बार नया प्रधान चुनने की ठानी है। मुनीर ने बताया कि अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया जाएगा और ये मैं वादा करता हूँ, और जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उनको जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर मुनीर अहमद को समर्थन मिल रहा है ग्रामीणों का। अमेठी से वसीम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। आज हम पहुँचे हैं अमेठी जिला के ग्राम सभा सिंदुरवा में। जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, हर प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगा हुआ है। जैसा कि चुनाव चिन्ह मिल जाने के बाद गांव की गलियों में चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो चुका है काफ़ी। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं, हमारे एक प्रत्याशी हैं ये मुनीर चचा, आइए इनसे हम बात करते हैं। तो चचा, आप जो है किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं इस समय? हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि आज तक दो ही परिवार में ये इलेक्शन है, या तो इलियास के यहाँ या इशराक के यहाँ, और ये कोई भी विकास हमारे गांव में नहीं है। कोई भी नाली, करंजा, लेटरिंग, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि ये कर पा रहे हैं। दोनों आदमी इधर से उधर अपना फैसला कर लेते हैं, लिहाजा उस मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपको आपकी ग्राम सभा की जनता चुनेगी? हाँ, ज़रूर चुनेंगे, क्योंकि इसमें दोनों आदमी ने यह है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमें जनता चुन रही है और इलेक्शन में। जीतने के बाद किस प्रकार का अपनी ग्राम सभा में कार्य करना चाहेंगे आप? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे? हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि इन दोनों आदमी से हट के अगर मेरे पास चुनाव आया, प्रधानी आई, तो हमारे गांव का हर विकास, लेटरिन, करंजा, बाथरूम, गरीबों के जो है वो उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन जनता का सवाल यही होता है कि कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद 5 साल पीछे मुड़कर नहीं देखता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसी के बेसिस पे मैं लड़ रहे हैं और जनता मुझे चाह रही है। चलिए ठीक है, तो जैसा कि हम ग्राम सभा सिंदुरवा में पहुंचे हैं तो प्रत्याशी मुनीर अहमद से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो है ग्राम पंचायत जो ये सिंदुरवा में जो प्रधानी का माहौल चल रहा है, ये प्रधानी इन्होंने बताया कि दो ही परिवारों में चल रही है काफ़ी समय से, कभी इस पक्ष में होती कभी उस पक्ष में होती है, कोई अन्य व्यक्ति प्रधानी नहीं कर पा रहा है, इसका क्या मामला है ये तो ये जाने या इनका आने वाला इलेक्शन बताएगा कि यहाँ की जनता किसको चुनती है, किसको पसंद करती, किसको लाइक करती है, अब ये आने वाला समय बताएगा। जैसा कि आप अपनी ग्राम सभा में किस प्रकार का प्रधान चुनना चाहते हैं? जो विकास करे, जो मतलब हर आदमी को समझे, वैसा प्रधान चाहिए। तो आप अपने प्रधान से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, अपने हित में कि किस प्रकार का कार्य करे आपके यहाँ, किस प्रकार का विकास हो? जैसे कि हमारा गेट बंद हो गया, कोई प्रधान कुछ नहीं कर पाया। कौन सा गेट है ये? 137C है, रेलवे का, ये बिल्कुल बंद हो गया है। अब कल हो सकता है इस पे काम लगे खुदने के लिए। तो आपके यहाँ इतने दिनों से जो पूर्व प्रधान है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबको मालूम है, मगर कोई कुछ किया नहीं। आप लोगों ने उनसे शिकायत की? हाँ, सब कुछ किया गया, मगर कोई किसी ने कुछ नहीं किया, ना जिला पंचायत ने किया ना प्रधान ने किया। क्या बनेगा मुद्दा? तो आप लोग अपनी ग्राम सभा में किस तरह का प्रधान चुनना चाहते हैं? यार, जो विकास करे वही प्रधान, जो सड़क नाली, जो नाली बनाए, सड़क बनाए, हैं खड़ंजा बहुत ऐसे हैं कि अभी रास्ता ही नहीं है।